अनदर इडियम एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो का इडियम है कम इन टू बीइंग, मतलब मार्ज वजूद में आना। सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल होगा, द यूनाइटेड नेशंस केम इन टू बीइंग इन 1945, यानी अक्वामे मुत्तहिदा 1945 में वजूद में आया। एक और सेंटेंस देखें, बांग्लादेश केम इन टू बीइंग इन 1971, बांग्लादेश 1971 में मार्ज वजूद में आया। एक तीसरा फिकरा, पाकिस्तान एंड इंडिया केम इन टू बीइंग साइमल्टेनियसली, पाकिस्तान और इंडिया एक ही वक्त में मार्ज वजूद में आए। दरअसल कम इन टू बीइंग एक जिसका मतलब मार्ज वजूद में आना है, वो एंटोनिम है सीज टू एग्जिस्ट का। दोनों ही वर्ब हैं, कम इन टू बीइंग का मतलब वजूद में आना, सीज टू एग्जिस्ट का मतलब है वजूद, ख़त्म हो जाना। एंटोनिम के लिहाज से हम इन दो ईडियम्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे 13 न्यू स्टेट्स केम इन टू बीइंग आफ्टर द सोवियत यूनियन हैड सीज्ड टू एग्जिस्ट, तो दो सेंटेंस मिले हैं आफ्टर से, तो उर्दू में बनता है सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद 13 नई रियासतें वजूद में आईं। एक और सेंटेंस में कंपैरिजन देखें, व्हेन पाकिस्तान केम इन टू बीइंग द यूनाइटेड इंडिया सीज टू एग्जिस्ट, जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो मुतहिदा हिंदुस्तान का वजूद ख़त्म हो गया।